तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं चिकू। स्वागत है आप सभी का मैच है जो फिंगर टिप्स पे। आज मैं आपके लिए लाया हूं वैदिक मैच की दो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक, जिससे आप 1 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर बिना पेन छुए निकाल सकते हैं, वो भी माइंड में। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी इंटरेस्टिंग और फास्ट ट्रिक्स है कि आप इन्हें माइंड में ही निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आखिर ये ट्रिक्स। चलिए दोस्तों ट्रिक 1 की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक 1 उन सारे नंबर पे काम करती है जिनका यूनिट डिजिट 5 है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमें इन नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, तो हम 35 का स्क्वायर आखिर कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें 5 का स्क्वायर लिख लेना है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 25। चलिए हम लिख लेते हैं 25। अब कौन सा नंबर बचता है, 3। हमें 3 का स्क्वायर नहीं लिखना है, बल्कि हमें 3 के नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का नेक्स्ट नंबर है 4। हमें 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 3 = 12 होता है, तो हम यहाँ 12 लिख लेते हैं। लीजिए आ गया हमारा आंसर 1225। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, जो है 45। हम 45 का स्क्वायर भी सेम मेथड की मदद से निकालेंगे। पहले हम 5 का स्क्वायर लिख लेंगे जो कि है 25। हम यहाँ लिख लेते हैं 25। और अब हमें 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 5 = 20, तो हम यहाँ 20 लिख लेते हैं। लीजिए आ गया हमारा स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि है 105। हमें क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर लिख लेना है जो कि है 25, तो हम यहाँ 25 लिख लेते हैं। उसके बाद हमें 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 × 11 = 110, तो हम यहाँ 110 लिख लेते हैं। लीजिए आगे हमारा स्क्वायर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक, चलिए ट्रिक 2 की ओर। तो बढ़ते हैं ट्रिक 2 की ओर, आज की सेकेंड ट्रिक की ओर। ये ट्रिक हर 2 डिजिट नंबर पे काम करती है। सपोज हमें 34 का स्क्वायर निकालना है, पहले आप ऐसी लाइन खींच लीजिए। अब हमें करना क्या है, पहले हमें 4 का स्क्वायर यहाँ लिख लेना है जो कि है 16, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 16। नेक्स्ट है 3। अब हमें यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख लेना है। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो चलिए हम यहाँ 9 लिख लेते हैं। उसके बाद हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 4 = 12 और 12 × 2 = 24। हमें यहाँ पे गैप छोड़ के लिख लेना है 24। अब हमें इन्हें ऐड कर देना है। 6 ऐसे ही आ जाएगा और 4 + 1 = 5 और यहाँ पे 9 + 2 = 11। लीजिए आ गया हमारा आंसर 1156। चलिए दोस्तों हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमें 53 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। पहले हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि होता है 9। लेकिन दोस्तों हमें 9 नहीं लिखना है, हमें 09 लिखना है, यानी कि दोस्तों हमें 2 डिजिट के फॉर्म में उसे लिखना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 09। फिर हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, हम यहाँ पे 25 लिख लेंगे। दोस्तों अब हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, 5, 3 और 2 को। तो 5 × 3 = 15 और 15 × 2 = 30 होता है, तो हम यहाँ 30 लिख लेते हैं। यहाँ आ गया 3 और 0। अब हमें ऐड कर लेना है। 9 हमारे यहाँ ऐसे ही आ जाएगा, 0 भी ऐसे ही आ जाएगा। 5 + 5 + 3 = 8 होता है, हम यहाँ 8 लिख लेंगे। और 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा स्क्वायर है ये। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब चीकू को दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।